भारत में चार सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुमला तिरुपति बालाजी का मंदिर इतना विश्व प्रसिद्ध है कि सबसे धनी मंदिरों में से एक कहा जाता है भारत भर में। और इसका जो सारा क्रेडिट कहाँ जाता है, इसका सारा पैसा जाता है सरकार को जाता है। और बाकी आप मुस्लिम्स का देखो और क्रिश्चियंस का देखो, उनका पैसा उनके कम्युनिटी वाले ही रखते हैं और उनके डेवलपमेंट पर ही खर्च करते हैं। और हमारे हिंदू ही मूर्ख है जो कि हमारा जैसे दिया हुआ जितना भी धन है, दान जितना भी आता है, सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी, उसका सारा धन जाता है टैक्स में। और वही कहाँ जाता है आपके, उसमें पढ़ाई में, हॉस्पिटल में, सड़कों में। और लोग क्या कहते हैं, मंदिर बनने से क्या उखाड़ लोगे, राम मंदिर से क्या उखाड़ लोगे। तो मेरे भाइयों जो टैक्स देते हैं उसका दान करते हैं ना, वो आपके ही काम में आ रहा है, ठीक है। जो तनख्वाह मिल रहा है सरकारी जॉब लोग उससे ही मिल रहा है, लेकिन वही बात है, इनको ये सब चीज़ नहीं दिखेगा और बाद में आपकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा इलीगली। तो फिर बाद में रोना रोओगे कि क्या हो रहा है, सरकार ऐसे करिए क्या करिए। इसीलिए पवन कल्याण ने तो ये तक कह दिया कि सनातन धर्म के नाम पे एक तो जो है आपको जो है नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो पूरा जो है मंदिर और ऊंच नीच बातों को वो सुबह पूरा संभालेंगे। सही बात है, बनाना भी चाहिए। वैसे विश्व हिंदू परिषद तो बनाया हुआ गया है और इसमें जो सरकार को सख्त से सख्त जो आदेश देने चाहिए, यहाँ तक कि जो है मोदी सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम यही उम्मीद करना चाहेंगे कि बड़े से बड़े फैसले उस पर लिया जाए और मंदिरों को जो है हिंदू बोर्ड को, हिंदुओं को सौंपा जाए कि आप अपने धर्म के जो है जितने भी जो है लेखा जोखा है खुद संभालिए, ना कि सरकार इसको जो है लेंगे, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है। लोग हमारे ही मजाक उड़ाते हैं, सनातन धर्म में जो है मजाक उड़ाते हैं कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर से किसी का घर थोड़ी चलता है, मंदिर से थोड़ी रोजगार बढ़ता है, उससे थोड़ी जीडीपी बढ़ता है। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताए कि मंदिर में आने वाला धन जो है पूरे देश को चलाने में जो इतना बहुत बड़ा जो है सहायक बना हुआ है, सहायता कर रहा है। और सबसे बड़े मूर्ख तो हम हैं जो कि हमें से चैनल बनाए। मैं बता रहा हूँ आपको, 2500 कैटेगरी है, 100 कैटेगरी है, कितनी भी कैटेगरी है वीडियो बनाने के, लेकिन हम मूर्ख हैं। हम जो ऐसे चैनल पे जो है वीडियो बनाते हैं, हम ऐसे टॉपिक वीडियो बनाते हैं। हम देखिए हमारा चैनल, देखिए कितना ग्रो हो रखा है, 60,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन आज तक फूटी कौड़ी यूट्यूब से नहीं मिलता है। और व्यूज़ के नाम पर आपको क्या मिलता है, देखो ये घटिया। हो सकता है हमारे अंदर ही कुछ कमी होगी, लेकिन बात यही है, मेरे बात नहीं है ये, बड़े बड़े मैं सनातनियों के चैनल को देखा हूँ जिनका रीच है, जिनके चैनल पर जो है डिमोनेटाइजेशन का जो है थप्पा लगा दिया जाता है और कई लोगों के चैनल को तो जो है बैन ही कर दिया जाता है। जैसे कि आप सब लोकतंत्र वाले बाबा जी को जानते होंगे, उनको तो कई बार यूट्यूब से बैन कर दिया गया है, फिर आते हैं फिर उनका चैनल ब्लॉक हो जाता है। मतलब भाई क्या समस्या है, क्या बोला जा रहा है, किसी के तो रेप कांड के बारे में गलत तो नहीं बोल, किसी को नशा प्रमोट नहीं कर, ड्रीम इलेवन तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, घटिया घटिया चीज़ों को प्रमोट करने वाले यूट्यूब पे जो है तरक्की कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, घटिया घटिया जो है स्क्रिप्ट बनाने वाले लोग जो है लेफ्ट विंग का सपोर्ट करने वाले लोग, देश विरोधी बात करने वाले लोगों का जो मिलियन में सब्सक्राइबर है, और हम जो है अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं, हम अपने देश की रक्षा की बात करते हैं, हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, हमें कुछ नहीं मिलता उसका। हमें तो भाई एक तो सिल्वर प्ले बटन तक नहीं मिला अभी तक, हम खाली वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी कोई व्यू वगैरह नहीं जा रहा है। हम अब जो दो चार शब्द अच्छे जो है सनातनियों को जगाने की बात करते हैं, तो भी क्या होता है, पाखंड का ढोंग करते हुए जो है हमें दो चार गाली देके कमेंट करके लोग भाग जाते हैं। बाकी उनको क्या फ़र्क पड़ता है अपने धर्म से, ये वही बात तो है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तिरुपति में हो रहा है तो हमें क्या, हमने थोड़ी प्रसाद खाया है, जो खाया है वो लोग जाने। मतलब इतनी मूर्खता वाली बात है कि दूसरा का घर टूट रहा था हम उसको देख के हंस रहे हैं, ये नहीं पता कि दूसरा हमला हमारे घर पर होने वाला है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है हिंदुओं की, आज से नहीं 1000 साल पहले से ही। सोमनाथ मंदिर जब टूटा था पहली बार, जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, तब भी यही था कि दूसरे जगह हो रहा है, दूसरे राज्य में हमें क्या। लेकिन बाद में उनके भी आक्रमण हुआ, पूरे देश भर में जो है इस प्रकार से जो है आक्रांताओं ने जो है कब्जा कर लिया, सनातन धर्म को जो है मिटाने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। हालांकि वो जो है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी जो है हमारे पूर्वजों के बलिदान से हम खड़े हुए हैं। लेकिन हमें मिलता क्या है इससे, आप बताइए। हम गर्व से अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते। मैं देखता हूँ तो रामायण महाभारत के बारे में बच्चों का तक को पता नहीं है, और यहाँ पे जो है तिरुपति बालाजी में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इसमें भी जो लोग जो है यहाँ पे जो है राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप अपने धार्मिक सबसे बड़े पवित्र स्थानों में से एक सनातन धर्म में तिरुपति बालाजी का मंदिर, वहाँ पर हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन की प्रसाद की जगह क्या मिल रहा है, सुअर का मांस, मछली का तेल में मिला हुआ प्रसाद। मतलब सोच सकते हैं कि कितना गिर चुके हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ के सरकार जिनके कंट्रोल में ये मंदिर आता है, क्रिश्चियन लोगों को वहाँ भर रहे हैं। भाई चर्च में गैर क्रिश्चियनों को नहीं दिया जाने दिया जाता, मुस्लिम लोग जो है दरगाहों पे जो है गैर मुस्लिम को नहीं जाने देते। आप यहाँ पे क्या पंचायती, क्या सेकुलरिज्म फैला रहे हो, सारा सेकुलरिज्म क्या हिंदुओं के लिए ही बना है, और ये कौन सा लॉजिक है भाई। इतने सारे ब्राह्मण हैं, इतने सारे जो जातियाँ हैं, जितने बांट के तो रखे हुए आप लोग जातिवाद में, तो इतने सारे जातियों में कैसे हिंदू धर्म में कोई लोगों की कमी हो गई जो आप क्रिश्चियंस को वहाँ पर ले रहे हो काम करने के लिए, और वो क्या इतना सम्मान दे पाएंगे तिरुपति बालाजी के मंदिर में हिंदुओं को। तो होने वाला क्या है, ऐसे भी भारत में तो भूलने की आदत ही है, दो चार दिन बाद हम फिर से भूल जाएंगे। फिर से जो है आपका क्या, तिरुपति बालाजी में आप स्वाद ले लेके प्रसाद खाने फिर से जाएंगे, और हो सकता है इस बार जो है
सुअर के मांस के चर्बी की जगह डायरेक्ट सुअर का मांस ही आपको खिला दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार से तो षड्यंत्र होते आ रहे हैं, और जो लोग बोलते हैं उनको क्या है, उनके बोलने को जो है कोई सुनते नहीं, और सुनते हैं तो फिर क्या है, उनके विरुद्ध ही जो हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनते हुए केस कर देगा, कुछ और कर देगा, चैनल बंद कर देगा, गाली देगा कमेंट पे आके। क्योंकि एक बहुत बड़ा फेमस चीज़ है ना कि धोखा तो अपने से ही मिलता है, दूसरों से नहीं, इसलिए तो उसको धोखा कहते हैं। दूसरों से मिलता है तो धोखा थोड़ी है, वो तो जो है युद्ध है, वो तो शत्रु बोध का जो है परिचायक आपके लिए सीख देता है, लेकिन धोखा तो हमेशा अपनों से ही मिलता है। और हिंदुओं से बड़ा हिंदुओं का दुश्मन कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है मेरे भाई, हमेशा याद रखना, हिंदू ही हिंदू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई किसी से किसी को खतरा नहीं है, कोई मुस्लिम से क्रिश्चियन मिशनरियों से किसी से आपको कोई खतरा नहीं है, खालिस्तानियों से कोई खतरा नहीं है, आपको केवल खतरा है तो हिंदुओं से, अपने आप से आपको खतरा है, क्योंकि आप ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हो। वर्ग जाति पंथों में विभक्त होते हुए, आरक्षण में विभक्त होते हुए आपने अलग अलग सेनाएँ अलग अलग संगठन बना रखे हैं, और जातिवाद के नाम पे अपने आप को ही लड़ रहे हो। और ये कोई मसीहा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम भी उसी कैटेगरी में बंधे हुए हैं, हम कोई अलग समाज से नहीं है, हम भी समाज का हिस्सा ही हैं, लेकिन बस थोड़ा समाज से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो कोई दो चार लोग पैर खींच लेते हैं और हमें भी आखिर इस घटिया समाज के सिस्टम में खींच लाते हैं, और हमें भी वही बोलना पड़ता है कि जातिवाद के नाम पर ये है वो है। बाकी आप सभी अपने आप में समझदार हैं अपने आप में, और देख ही रहो क्या क्या हो रहा है। कुछ दिनों पश्चात बांग्लादेश बनने में भारत को देरी नहीं लगेगा लग रहा है। अपने ही पवित्र स्थानों में से एक तिरुपति बालाजी में तो हमें सुअर का मांस खिलाया जा रहा है, तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भाई, कलयुग है बोलते हैं ना, सही में कलयुग ही है। बाकी अपना ओपिनियन अवश्य रखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।